नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीआईटी एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। ये खास कार्यक्रम है जो कि है सहयोग गाइडेंस फॉर मेंटल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन। और आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है स्ट्रैटेजीज डीलिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। बच्चों के एग्जामिनेशन आने वाले हैं और तैयारी चल रही है, तो उस बीच बच्चों को बहुत सारा स्ट्रेस होता है। उस स्ट्रेस के बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, और आसपास जब डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारी होती हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो भी उन्हें होती है, और उसके लिए उन्हें कुछ स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए वो अपने स्ट्रेस को दूर कर सके, एंग्जाइटी ना हो और वो बहुत ही कामली स्मूथली तैयारी कर सके और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से एग्ज़ाम लिख सके। सो इसके लिए आज हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, चाहे आप बच्चों के माता पिता हैं, चाहे आप उनके शिक्षक हैं, चाहे बच्चे खुद इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कोई भी सवाल हो तो हम तक ज़रूर पहुँचाइए। और इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 के माध्यम से, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर भी जो कि है NCERT ऑफिशियल, उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिख के हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप हमें हमारे नंबर पे कॉल करना चाहे तो नंबर होगा 8800440559, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहे तो sahyog.ncrt@cit.nic.in। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और ये सारी कनेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त फ्लैश हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसे नोट डाउन करेंगे और हम तक ज़रूर पहुंचेंगे। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, आइए आपका परिचय उनसे करवाना चाहेंगे। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर सौरभ कुमार, स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैम, थैंक यू। नमस्कार सर। सर हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT भोपाल से, और हमारे साथ हैं एक प्रैक्टिसिंग काउंसलर और वो हैं मिस्टर निखिल मिश्रा, स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, नमस्कार सभी को। थैंक यू, आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में। और थोड़ी देर में इस प्रोग्राम को, इस डिस्कशन को शुरू करेंगे, पर उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं, वो है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी से जुड़ी हुई। We're extremely proud that India assumed G20 presidency and would convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country this year. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history, as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, despite manifest its true spirit of Vasudev Kutumbakam, or should I say the world is one family. चलिए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं और एग्जाम स्ट्रेस को समझने की कोशिश करते हैं। सौरभ सर, क्या आप हमें बताना चाहेंगे what exactly is exam stress और इसके जो sources हैं वो क्या क्या हैं? Thank you very much ma'am for giving me this opportunity as well as introducing this topic. You have already mentioned that we are going to discuss on the topic strategies in dealing with examination stress. और जैसा कि हमारे सभी विद्यार्थी जानते हैं कि अभी पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम किया, और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर, परीक्षा से संबंधित बहुत सारे आयामों पर चर्चा की, और उसी में से एक आयाम है हमारा एग्जामिनेशन स्ट्रेस। अगर हम इसको एग्जामिनेशन स्ट्रेस को हम समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज एग्जामिनेशन स्ट्रेस, तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए फीलिंग ऑफ प्रेशर दैट इंडिविजुअल स्टूडेंट फील बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कि कई बार हमारे विद्यार्थी जब परीक्षा के दौरान या परीक्षा से पहले जब कभी परीक्षा आती है तो उस समय वो एक तरह का प्रेशर फील करते हैं जिसको हम एग्जामिनेशन स्ट्रेस कहते हैं। और बहुत सारी रिसर्चेस दिखाती हैं कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस अगर एक स्मॉल अमाउंट में होता है तो कई बार ये हमारे विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी कई बार परीक्षा से पहले सोचते हैं कि अभी तो परीक्षा में टाइम है तो तैयारी नहीं करते, लेकिन जैसे ही परीक्षा का शेड्यूल आता है, टाइम टेबल आता है, हमारे स्टूडेंट फोकस्ड हो जाते हैं, और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो स्ट्रेस है वो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। लेकिन दूसरे हाथ पर, अगर दूसरे एंड पर अगर यही स्ट्रेस एक अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो यही स्ट्रेस हमारे विद्यार्थियों के लिए हानिकारक हो सकता है, और कई बार कई विद्यार्थी इस तरह का रिपोर्ट करते हैं कि स्ट्रेस के कारण वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनका जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, विद्यार्थी जो याद करते हैं कई बार वो उस पर घंटों घंटों बैठे रहते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको कॉन्सेप्ट तैयार नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स हो सकते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रेस के। अब हम समझने की कोशिश
प्रोसेस करते हैं, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एग्जामिनेशन स्ट्रेस, या ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण ये एग्जामिनेशन स्ट्रेस होता है। तो जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है कि इसका एक जो कारक है वो हो सकता है प्रेशर। अगर हम प्रेशर को समझें तो प्रेशर क्या है, इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक बाह्य कारक है, ये हमारे अंदर से नहीं होता। कि प्रेशर हम कह सकते हैं कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्टिवेट आवर सेल्फ बियॉन्ड अवर कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज, कि जब हम अपने आप को, हमारी एक क्षमताएं हैं, हम सभी में अपनी अपनी क्षमताएं हैं, हमारी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, लेकिन जब हम उन क्षमताओं को, जब हम अपनी क्षमताओं से ज्यादा हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस होता है। इसे हम बैलून के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक अगर गुब्बारा है तो उसका एक साइज होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो फूलता है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा उसको हवा देने की कोशिश करते हैं तो उस एक स्ट्रेस, एक तनाव, एक टेंशन होता है और एक सिचुएशन के बाद वो फट जाता है। यही हमारे बच्चों के साथ भी अगर हो सकता है, हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना है, अपनी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी को पहचानना है और उसी के अनुसार हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट मे बी हाई एक्सपेक्टेशंस, कि कई बार हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारी इंडिविजुअल, हमारी अपने आप से हम एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों से, उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी होगी, उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि उनके पड़ोसी या और जो उनके रिलेटिव्स हैं उन बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एग्जामिनेशन स्ट्रेस को क्रिएट करती हैं। कई बार जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो टीचर्स हैं, टीचर्स भी कई बार जो बच्चों के जो पर्टिकुलर टीचर्स हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारा वर्ल्ड है वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो उसी में हमारे जो टीचर्स हैं वो कई बार अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ में या दूसरे स्कूल के साथ में उनका कंपैरिजन करके भी कई बार ये प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। और एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल अपनी जो स्टूडेंट लाइफ से ही देता हूँ कि जब मैं 10th क्लास में था और 10th में हमारा बोर्ड का वाइवा चल रहा था साइंस का, और जब मैं वाइवा देने के लिए गया तो मेरे टीचर ने एग्जामिनर से कहा कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो एग्जामिनर ने कहा अच्छा, और उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया कि सॉल्व 1/f = 1/b + 1/u, और वो जो था वो हमारी 10th में था ही नहीं, वो 11th का क्वेश्चन था। तो मैं बहुत देर तक, मेरे बाद भी कम से कम 10 स्टूडेंट थे, और मैं बैठा रहा, और जब सारे वाइवा हो गए उसके बाद उन्होंने बुलाया कि बताइए आपने क्या किया। तो कई बार इस तरह की सिचुएशन, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो एग्जामिनेशन स्ट्रेस है उसको बढ़ावा देती हैं। कंपैरिजन विद अदर्स, फियर ऑफ रिजेक्शन, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं ये भी एक हमारे स्टूडेंट्स के अंदर एक फीलिंग एक जनरेट होती है कि अगर वो फेल हो जाएंगे, मार्क्स कम आएंगे, दूसरे स्टूडेंट जो उनके साथ में पढ़ते हैं उनके पीयर्स के कंपैरिजन में उनका रिजल्ट क्या रहेगा, तो ये भी एग्जामिनेशन स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। इसी तरह फोकसिंग टू मच ऑन द आउटकम, हम बार बार बात करते हैं कि हमें प्रोसेस पर फोकस करना है, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। हम आज हम कैसे पढ़ाई करनी है, आज हमें कैसे आगे बढ़ना है, इसकी बजाय जब हम बहुत ज़्यादा आउटकम पर या जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। डोंट हैव मच टाइम फॉर स्टडी, कि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया, हमने तैयारी नहीं की, अब हमारे पास इस टाइम में हम कैसे तैयारी करें, तो इसकी वजह से भी क्या है, कई बार स्ट्रेस क्रिएट होता है। Have other things happening in the life, कि कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, हमारे विद्यार्थी कई बार क्या होता है कि हमारी फैमिली में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, हमारे कई रिलेटिव्स आ जाते हैं, अगले दिन हमारा एग्ज़ाम है और आज हमारे घर में रिलेटिव आ गए, तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो इसीलिए हमें पहले से तैयार रहना है कि हम पहले से बिल्कुल एग्ज़ाम का जो डेट है उस समय के लिए हम तैयार, हम ये सोच के ना बैठें कि जब एग्ज़ाम आ जाएगा उसी समय हम तैयारी करेंगे। तो अगर हम इस तरह करते हैं तो हम एग्ज़ाम स्ट्रेस से हम बच सकते हैं। पुअर स्टडी हैबिट्स, कई बार हमारे विद्यार्थी क्या है कि एग्जाम आ गया, तैयारी है नहीं, पूरी साल भर उन्होंने नहीं पढ़ा, तो वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को वो क्या है कि उसको केवल रट्टा लगाने में लग जाते हैं, और इस वजह से क्या है कि वो फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि पुराना जाके देखें, और पुराना उन्होंने जो पढ़ा, क्योंकि उसको उन्होंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है नहीं, उन्होंने कॉन्सेप्ट नोट तैयार नहीं किया, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है कि अभी तक हमने इतना पढ़ा और आज अभी तक मुझे कुछ याद नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। और एक और चीज हो सकती है जिसकी वजह से एग्जाम स्ट्रेस होता है, दैट इज पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ ब्लैंकिंग आउट, कि कई बार क्या होता है कि कभी हमारा प्री बोर्ड या और किसी एग्जाम में हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम बहुत तैयारी करके गए लेकिन किन्हीं कारणों से हम एग्जाम में नहीं कर पाए,
ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारे आगे आने वाले, हमारी जो फ्यूचर में जो हम एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उसको भी प्रभावित करता है और इसकी वजह से एग्जाम स्ट्रेस हो सकता है। तो ये कुछ कारक हैं जो मैंने बच्चों के सामने रखे हैं जिनके कारण एग्जाम स्ट्रेस होता है। जी भैया धन्यवाद सर बताने के लिए कि ये कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों को स्ट्रेस होता है। सर स्ट्रेस तो बच्चों को होता है, पर हम जानना चाहेंगे कि क्या उस स्ट्रेस की वजह से बच्चों पर कुछ बुरा असर पड़ता है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, और ये भी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे डील किया जा सकता है और उस स्ट्रेस को खुद से दूर रखा जा सकता है। निखिल सर क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैम बताना चाहूँगा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। जी ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल टॉपिक है, कहीं ना कहीं हम सब इससे एग्जाम जो है वो इस स्ट्रेस को हम सब डील कर चुके हैं। तो इसके ना जो सिम्टम्स भी होते हैं, जो हमें जो इफेक्ट भी है, वो फिजिकली और मेंटल वेलबींग दोनों को इफेक्ट करता है। अब हम देखें अगर फिजिकल सिम्टम्स, वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, सौरभ सर ने बस ही बता दिए आपको कि कहीं ना कहीं हेडेक होता है, बच्चे बोलते हैं। तो एज अ काउंसलर हमारे पास कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं, सर बोलते हैं कि सर जब भी पढ़ने बैठता हूँ सर में बहुत दर्द होने लग जाता है, मेरे सर मसल्स में बहुत पेन होने लग जाता है। सर साइकोलॉजी में एक फिनोमेना कहते हैं हम साइकोसोमेटिक सिम्टम्स, जिसको हम कहते हैं कि अगर बॉडी, अगर आपको कोई भी स्ट्रेस हो रहा है या कोई भी किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई भी मेंटल वेलबींग में अगर डिस्टर्बेंस होता है तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। तो जैसे ही बच्चों को स्ट्रेस होना शुरू होता है उनके हेडेक होने लग जाता है, आप देखते होंगे कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लग जाता है बच्चों के, कई बार मसल टेंशन यानी पेन होने लग जाता है, नींद नहीं आती है बच्चों को रात रात भर। मेरे बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि सर हमें तो रात में नींद ही नहीं आती, हम तो 5-5 घंटे में सोते हैं, कई बार नींदें खुल जाती हैं। तो ये फिजिकल कुछ फिजिकल सिम्टम्स है, इसके साथ कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी होते हैं। आप देखते होंगे बच्चे कहते हैं सर कि घबराहट बहुत होती है इस समय, और आप लोग भी ये देखते होंगे कि बच्चे बहुत इरिटेटेड रहते हैं इस समय, कई सारे मूड स्विंग्स होते हैं, और जो हेल्पलेसनेस वाली जो फीलिंग है वो बनी रहती है इस पर्टिकुलर टाइम पर जब बच्चे एग्जाम के स्ट्रेस से डील कर रहे होते हैं। अगर हम कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात करें तो बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन करने में, सर ने पहले ही बोल दिया कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते बच्चे, जो भी याद करते हैं वो अक्सर भूल जाते हैं। वो बच्चे कहते हैं कि सर आज तो हम पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन तक वो याद ही नहीं रहता कि हमने कल क्या पढ़ा है। और इस समय जब भी पढ़ने बैठते हैं तो कई सारे विचार आते रहते हैं लगातार उनके दिमाग में। इसके अलावा कई सारे बिहेवियरल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, सर भी बोले जैसे भी कि पुअर हैबिट्स है कि आज का हम कल टाल देंगे यार, कल देख लेंगे, कल पढ़ लेंगे। पुअर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करने में डिफिकल्टी होती है बच्चों को, और कहीं ना कहीं जो स्टडी को अवॉइड करने की जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं बच्चे खुद भी कि यार अभी सो जाते हैं, कल देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो ये फिजिकल कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स हैं जो देखने मिलते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं इंटरपर्सनल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बच्चे कम्युनिकेशन में बहुत डिफिकल्टी महसूस होती है इस समय उनको, और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट उनका बनता है वो भी बहुत होता है कि इरिटेशन होगी तो डेफिनेटली फैमिली अगर कुछ बोलेगी तो उसका जो नेगेटिवली अगर वो बोलेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट भी दिखेगा। तो जो हम न्यूटन्स लॉ कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इस समय वो देखने मिलता है बच्चों के साथ। और अगर हम आगे की स्लाइड पे चलें तो क्योंकि अब सिम्टम से हम जूझ रहे हैं तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अगर हम चाहें तो मैनेज भी कर सकते हैं स्ट्रेस को। जैसे सर ने कहा कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। स्ट्रेस गलत नहीं है, थोड़ा बहुत तो होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास जो बढ़ रहा है स्ट्रेस, इतना ज़्यादा बढ़ के निकल रहा है, इसको कैसे मैनेज करें? तो मैनेज करने का सबसे पहला तरीका होता है भाई प्लान और प्रिपेयर। आप जो भी पढ़ रहे हो एडवांस में पढ़ के चलना आपने, ठीक है? इसके लिए हम भाई एक स्टडी प्लान बना सकते हैं, एक अचीवमेंट वाला गोल हम सेट कर सकते हैं कि कितना हमें आज पढ़ना है वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं, स्मार्ट गोल जो हम कहते हैं, स्मार्ट गोल बनाना है आप लोगों को। वर्क कंसिस्टेंटली, रेगुलर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ लिया तो अब कल आप रहने देते परसों पढ़ेंगे। तो आपको रेगुलरली प्रिपेयर करना पड़ेगा। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज आपकी जो एंशियसनेस है, जो एंजाइटी है, उसको डिक्रीज करने में भी आपकी मदद करता है। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। इस समय अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। दिमाग जो है बहुत कंसिस्टेंटली वर्क करता है इस पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे अगर एक ग्लास में हम पानी भरते हैं तो पानी भरने के बाद अगर हम और पानी भरेंगे तो पानी बहने लग जाएगा, वैसे ही दिमाग भी जो है जब चीज़ें भर जाती है तो उसको रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है ताकि हम उसमें और नई चीज़ें डाल सकें। इसलिए ब्रेक ले लेके पढ़ाई करने की कोशिश करें। रिलैक्सेशन टेक्निक की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है इस समय। आप लोग प्रैक्टिस करें रिलैक्सेशन टेक्निक, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। इसके अलावा नींद की जो हम बोलते हैं कि नींद नहीं आ रही है, कम से कम इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की एवरेज नींद लेनी बहुत जरूरी है एक बच्चे को। तो आप अपनी ये देखें कि नींद पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है।
उसके अलावा वेल ईट वेल, अवॉइड जंक फूड्स, और या फिर हम जो ये कोल्ड ड्रिंक जो पी रहे हैं इन सबको अवॉइड करके फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे आ जाए कुछ समय के लिए, और या मतलब दाल हो गया, चावल हो गया, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रोमिनेंट माने और इन सब चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करें, मतलब लें। और एक्सरसाइज रेगुलरली, कम से कम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज, 30 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। वैसे तो सबको करनी चाहिए, पर इस टाइम पे क्योंकि हमारे एग्जाम चल रहे हैं और हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, इसके कारण कम से कम 45 to 30 मिनट्स का टाइम निकाल के दिन भर में एक्सरसाइज करें जरूर। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से सेल्फ टॉक करें कि आई कैन डू इट, राइट, मैं कर सकता हूँ, तो इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल, और ये आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम इस समय टाइम पे जब हम परेशान होते हैं तो हम अवॉइड करते हैं हेल्प लेना। हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है, आपके पास टीचर्स हैं आजकल, तो भाई पहले तो ये होता था कि मोबाइल फ़ोन नहीं होते तो बच्चों के पास तो वो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते थे, बट आफ्टर कोविड ये हमारे पास बहुत ईजी हो गया है कि हम टीचर से बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स से, हमारे दोस्तों से हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम फेस होती है तो अपने टीचर से, अपनी फैमिली से, और कहीं अगर कोई थेरेपिस्ट है तो उससे भी आप बात कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को बता सकते हैं कि कहाँ परेशानी आ रही है। जी सर, जैसे आपने बताया कि किसी से हेल्प मांगने में कोई झिझक नहीं करनी चाहिए बच्चों को, तो मुझे लगता है ये बात बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बच्चे शाय होते हैं, हेजिटेट करते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर हम हेल्प मांगेंगे तो सामने वाला हमें कमज़ोर समझेगा। और ये जितनी भी आपने टिप्स दी इस वक्त कि उस वक्त जब स्ट्रेस हो बच्चों को तो उन्हें ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए ताकि उन्हें स्ट्रेस ना हो और वो जो अपनी एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं वो आराम से कर सके। थैंक यू सो मच सर इस इन्फॉर्मेशन के लिए। हम आगे बढ़ेंगे, और जब बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो एग्ज़ाम सिर्फ बच्चों का नहीं होता है, टीचर्स का भी होता है, और पेरेंट्स भी उसमें इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। सौरभ सर, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि इस दौरान जब बच्चे तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन की तो स्ट्रेस से वो दूर रहें, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है, क्या वो हेल्प कर सकते हैं किस तरह से सर बच्चों की? बिल्कुल मैम, और जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में कुछ आप पॉइंट्स देखेंगे जी, कि अभी निखिल जैसा कह रहे थे, निखिल ने बिल्कुल सही कहा कि एग्जाम, और जैसा आपने भी कहा कि एग्जाम केवल बच्चे का एग्जाम नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और बच्चे का जो शेड्यूल है, जो उसका टाइम टेबल है, उसके टच में रहते हैं, लगातार आप बच्चे के साथ थोड़ा डायलॉग करते रहें कि आपका अगला एग्जाम है, किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, कैसी तैयारी चल रही है, आपने कौन कौन से पॉइंट्स आपने अच्छी तरह पढ़ लिए हैं, और जरा भी अगर आप इन डिटेल आप नहीं बात कर सकते हैं तो उसके शेड्यूल से रिलेटेड जनरल अगर आप थोड़े बच्चे के टच में रहेंगे तो उससे वो मोटिवेटेड फील करेगा और वो लगातार जो स्ट्रेस है वो उसके पास स्ट्रेस बच्चे को नहीं होगा और धीमे धीमे क्या है कि वो अपनी तैयारी की ओर आगे बढ़ेगा। तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने जो बच्चे का एग्जाम का जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, उससे कनेक्टेड रहें। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, कि कोई कई बार क्या होता है कि बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने जितना भी है उन्होंने अपनी तरफ से, हर बच्चा, कोई भी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम अपियर कर रहे हैं कोई भी चाहता होगा कि मेरी परफॉर्मेंस खराब रहे, तो अपनी तरफ से उन्होंने बेस्ट किया है या बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस स्टेज पर आके जब उनके एग्जाम स्टार्ट हो गए तो उनके साथ किसी भी तरह का आर्गूमेंटेशन नहीं करना चाहिए, उनके साथ आर्गूमेंट्स नहीं करने चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो निखिल कर रहे थे कि जो कम से कम, क्योंकि बच्चे अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं या अपना स्टडी कर रहे हैं तो ज़्यादातर समय वो अकेले हैं, तो कम से कम जब बच्चों आपस में जब डिनर करें या ब्रेकफास्ट या लंच जब आपके साथ करें तो सब लोग फैमिली मेंबर्स मिलके सब साथ में लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर करें। इससे बच्चे क्या है कि अगर उनको जो भी अपने आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज, अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, फीलिंग्स को वो आपके साथ शेयर करेंगे और जो स्ट्रेस है वो अपने मिनिमम लेवल पर होगा। अवॉइड बर्डनिंग देम विद योर स्ट्रेस, कि आप इस समय कम से कम अपना स्ट्रेस है वो बच्चे को मत दीजिए, आप बच्चे को आप प्रॉपरली उसको जो जिस तरह से वो स्टडी कर रहा है उस तरह से उसको स्टडी करने दीजिए। कीप अवे फ्रॉम डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि आज के समय में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आज डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर बच्चे के पास मोबाइल है, टीवी है, तो इस समय बच्चे को थोड़ा आप बच्चों के साथ टच में रहें, उन्हें समझाएं या बच्चों के साथ बात करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, आप अगर मोबाइल, आप जरा भी एक बार मोबाइल को लेते हैं तो कम से कम 10 to 15 मिनट्स आपके वेस्ट हो रहे हैं या उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इससे अभी आपको दूर रहना है। एग्जाम के बाद फिर से हम आप चाहें तो अपने जो हमारा जिस तरह की डेली रूटीन हमारी लाइफ है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बी ए साउंडिंग बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि इस समय बच्चों को जरूरत है उनको मोटिवेट करने की, उनको जरूरत है अपने आप को पॉजिटिव रखने की, तो इस समय पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्या आप बच्चों के लिए एक तरह के इस समय आप एक मोटिवेटर का काम कर सकते हैं? बच्चे को आप किसी तरह का, अगर कोई उसके मन में कोई इस तरह का डाउट आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसी इस तरह का कोई उसके मन में विचार आ रहा है, अगर वो लो फील कर रहा है, तो इस समय आप बच्चों के साथ हमेशा रहिए और बच्चे को लगे कि कोई ना कोई उसके लिए ऐसा है कि जो भी सिचुएशन होगी, जैसा भी होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। तो अगर इस तरह का पेरेंट्स फील कराते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस बच्चे के पास में नहीं होगा, बी अवेलेबल। और बच्चे के साथ आप हमेशा बच्चे के साथ बार बार, अगर जब भी आपको टाइम मिलता है, आप बच्चे के सामने जाके उसको एक बार, अगर जहां पर उसका स्टडी रूम है, आप विजिट कर सकते हैं, बच्चे के साथ बात कर सकते हैं। तो अगर ये सारे टिप्स अगर हमारे पेरेंट्स, बहुत कोई ऐसा बड़ा ऐसा कोई काम नहीं करना है, बल्कि ये छोटे छोटे से इफर्ट्स हैं जिसे हम अगर यूज करते हैं, तो डेफिनेटली जो स्ट्रेस है उसको हम टैकल कर सकते हैं। जी सर, जब बच्चे घर पे पढ़ाई करते हैं तो मुझे लगता है पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और आपने जितने भी पॉइंट्स दिए मुझे लगता है बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही इससे रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऐसा करना पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है बच्चों को शांति से तैयारी करने के लिए। बेहद धन्यवाद सर एक बार फिर से। और अब आते हैं अगर हम एग्ज़ाम डे पर, जिस दिन बच्चों का एग्ज़ाम होता है उस दिन भी कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को करनी चाहिए, तो निखिल सर क्या आप इस बारे में हमें बताना चाहेंगे वो क्या क्या टिप्स हैं जो बच्चों को एग्ज़ाम डे पे ध्यान रखनी चाहिए? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जी नेक्स्ट स्लाइड। ओके सो सबसे इम्पॉर्टेंट कि सारी प्रिपरेशन एक दिन पहले ही हो जाए। अगर आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं इस समय, तो एडमिट कार्ड आपका आपके पास होना चाहिए कि भाई एडमिट कार्ड हमारा व्यवस्थित रह जाए बैग के अंदर पहले से ही, पेन पेपर पेंसिल बॉटल तो दूसरे उसी दिन भर लेना, पर उससे पहले जो भी नेसेसरी आइटम्स हैं वो आपके बैग में पहले ही हो जाने चाहिए, एक रात पहले आप प्रिपेयर होके जाएँ। ईट गुड फूड, लाइट ब्रेकफास्ट लें उस दिन, ठीक है, जिससे आपका एनर्जी और कंसंट्रेशन लेवल बना रहे। नहीं तो हम बहुत ज़्यादा हैवी ले लेते हैं तो कई बार एग्जामिनेशन हॉल में हमें नींद आ रही होती है, हम फिटिक महसूस करने लग जाते हैं उस टाइम पे। फील योरसेल्फ गेटिंग वरीड, अगर आप कहीं भी ऐसा आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वरीड महसूस कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं, तो स्पेंड सम टाइम्स फोकसिंग ऑन योर ब्रीथिंग। हमने भी बात की थी कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू कि ये आपका जो वरीनेस है, जो एंशियस बिहेवियर आ रहा है, वो धीरे धीरे इसको आपको रिड्यूस करने में मदद करेगा। रीड थ्रू एग्जाम पेपर, एग्जाम जो पेपर आ रहा है, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर भी आता है, तो हम कई बार होता है कि सील, जब बोर्ड पेपर्स आते हैं तो उसमें सील लगी रहती है, तो उसके ऊपर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो हम इंस्ट्रक्शंस को भी एक बार प्रॉपरली पढ़ें, और सील ब्रेक करने से पहले कम से कम इंस्ट्रक्शन से फॉलोअप हो जाता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, और फिर जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको भी प्रॉपरली पढ़ें और फिर आंसर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दबाजी में फैसले ना लें उस जगह पे। वर्कआउट हाउ लॉन्ग यू हैव टू गिव फॉर एवरी क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े क्वेश्चन को ज़्यादा समय दे दिया या छोटे क्वेश्चन को ज़्यादा समय दे दिया, तो हमारे कुछ प्रश्न ऊपर छूट जाते हैं, तो हमें जो पहले के कुछ समय मिलता है जहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकते हैं, तो वहाँ डिसाइड कर सके, एक टेंटेटिव टाइम बना ले कि कितने सेक्शंस को, कितने क्वेश्चन को कितना समय देंगे हम। एम टू हैव अ टाइम टू री रीड आंसर्स टू मेक द चेंजेस, इतना समय होना चाहिए आखिरी में कि हम जो भी अपने आंसर्स लिख रहे हैं उसको फिर से रीड कर सकें एक बार। वर्क ऑन द क्वेश्चन दैट यू हैव फाइंड इजिएस्ट फाइंड फर्स्ट, जो भी पूरे पेपर में जो सबसे सिंपल होता है, मेरे पापा जी आज भी बोलते हैं मुझसे, हम जब भी कभी कोई एग्जाम देने जाते थे तो वही बोलते थे कि भाई जो सबसे पहला, जो सबसे आपको आसान लग रहा हो सबसे पहले वो कर लो, क्योंकि उसमें आपका सबसे कम लगने वाला समय, क्योंकि आप उसका दिमाग में, आपके दिमाग में है वो आंसर, तो आपको बहुत जल्दी लिख लोगे, तो पहले उसको ढूंढ लो और वो जो जो भी आसान हो सबसे पहले वो निपटा दो। उसके बाद वॉच आउट फॉर द वंडरिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड मेक श्योर दैट यू आंसर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, अच्छी तरीके से रीड करने का क्वेश्चन पेपर का मतलब ये है कि जो पूछा जा रहा है एग्जैक्टली वही लिखना है आपको, यानी कि आपको जो पूछा जा रहा है, आप कहानी रामायण पूछे जा रहे हो, आप महाभारत लिख रहे हो, ऐसा नहीं लिखना है, हमें जो पूछा जा रहा है एग्जैक्टली वहीं के वहीं आपको वो चीज़ें लिखनी है। वन एग्जाम ऑन एग्जाम डे कीप अवे फ्रॉम अदर्स पीपल हु फील, जो भी एंशियस फील कर रहा है, जो भी परेशान फील कर रहा है, आसपास दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहा है, डर लग रहा है उसको, वरीड है, तो उस सबसे, उन लोगों से भी आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि ये आपको हेल्प, आपको आपके अंदर, जैसे
हम कहते हैं ना कि वो नेगेटिव थिंग्स रिपेल हो रही हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स हम लोग कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो किसी भी तरीके से एंशियस लोगों से जो नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं उनसे हम अवॉइड कर सकते हैं एग्जाम के दिन और एग्जाम के एक दिन पहले ही। थैंक यू मैम। जी सही, ये जो आइडियाज़ हैं मुझे लगता है बच्चे को बहुत काम आएंगे, जब एग्ज़ाम का वो मेन दिन आता है तो उस वक्त उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो अगर वो ये आइडियाज़ वो दिमाग में रखेंगे और ध्यान रखेंगे जिन छोटी छोटी चीज़ों का, तो उनका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, सौरभ सर निखिल सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए कि कैसे डील किया जाता है स्ट्रेस से ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, वो स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। हम सच में उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो स्ट्रैटेजीज हैं बहुत हेल्प करेंगी, ये जो आइडियाज़ हैं एग्जाम डे के वो भी बहुत हेल्प करेंगे, तो इन्हें अपनी डेली रूटीन में लाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। और इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर किसी भी कारणवश आपने इसे नहीं देखा है तो NCERT ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इस पर देख सकते हैं उसे जब मर्जी, आज कल परसों, क्योंकि ये वहाँ पर अपलोडेड रहेगा। और आज के लिए हम अपने सारे कार्यक्रम ही समाप्त करते हैं, कल फिर से हाजिर होंगे और सब्जेक्ट और टॉपिक्स लेकर और बहुत सारे कार्यक्रम, तो अपने सवाल हमें भेजते रहिएगा, उनका इंतजार हम हमेशा करते हैं। और जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहेंगे कि वी आर एक्सट्रीमली प्राउड दैट इंडिया अस्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड वुड कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिस ईयर, दैट इज 2023। अ नेशन डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलैटरलिज्म, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वुड बी अ वॉटरशेड मोमेंट इन हर history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudev Kutumbakam, or should I say the world is one family। और इसी के साथ हम अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बेहद धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।